हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप कभी भी कुछ फालतू चीज़ों को नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तो मैं भी इस वीडियो में भी मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 81/16 और इसका पावर दे रखा है आपका -3/4। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। अब हम लोग इसको 81 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर 81 को हम लोगों को लिखना है तो कोई ऐसा संख्या जिसको बार बार मल्टीपल करके 81 लाया जा सकता है, तो हाँ वो संख्या है आपका 3, जिसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81 आ जाता है। इसका मतलब कि आपका 3 पे पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 16 का है, तो 16 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा वर्ड नंबर चूज करेंगे जो आपका 16 हो जाएगा। तो देखिए 2 को अगर हम नंबर चूज करते हैं तो 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 × 2 × 2 करके अगर इसको हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका जो पहले पावर दे रखा था वो -3/4 दे रखा था, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3/2 का जो पावर 4 आया और पहले से जो पावर दे रखा है आपका -3/4, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 3/2 और पावर में आपका -3 बचेगा। तो पावर -3 है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पावर -3 में होता है और अगर नंबर जो दिया हुआ है, जो संख्या हमको दिया हुआ है, उस नंबर को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग, मतलब नीचे या ऊपर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी 3/2 को 2/3 कर दिया, तो ये जो माइनस में पावर दे रखा था ये प्लस में चेंज हो गया, और प्लस में चेंज होने के कारण क्या हो गया, ये आपका, तो यहाँ पे हम लोग का 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का पावर अगर 3 करते हैं तो हम लोग 27 हो जाता है। इस तरह से हम लोग का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी यहाँ पे दे रखा है आपका 1/61/64 और इसका पावर दे रखा है आपका -2/3। तो इसे भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपका 1/61/64 दे रखा है, इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक लाइक फ्रैक्शन में लेकर के आना होगा, मतलब एक सही फ्रैक्शन में लेकर के आना होगा। तो इसको क्या करना है हम लोग को कि जो आपका 64 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ पे 61 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 125/64 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि जो 125 है उसको कितने पावर में लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 का पावर में लिखेंगे 3 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 125। और फिर उसी तरह से अगर हम लोग 4 का पावर 3 करते हैं तो ये भी आ जाएगा आपका 64। तो इस तरह से हम लोग को पावर पता चल गया कि इसका पावर 3 हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पावर 3 कर दिया है 5/4 और इसका पावर 3 है, और जो इसका पहले से पावर दे रखा था वो -2/3 दे रखा था। अब इसे हम लोगों को क्या करना है कि देखिए ये पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा आपका 5/4 और माइनस में पावर बचेगा 2। तो इस पावर को प्लस में करने के लिए हम फिर से जो नंबर दिया हुआ उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, और तो अब क्या हो गया 4/5 और इसका जो पावर दे रखा है वो दे रखा है 2। तो अब इसे हम लोग 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16 एंड 5 × 5 = 44। तो ये आपका 16/44 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड का 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो सेकंड का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 2a पे पावर है आपका -3 और b पे पावर है आपका -2 और ये दोनों का होल, मतलब कि ब्रैकेट में बंद करके इसका पावर दे रखा है 3। तो ठीक है, इसका पावर क्यूब दे रखा है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 2
और ए पे जो टू है और ए पे जो पावर यहाँ पे दे रखा है क्या, जैसे टू और ए पे पावर जो है यहाँ माइनस थ्री दे रखा है, और इन दोनों के पावर जो बाहर में दे रखा है मतलब कि आपका थ्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पावर इस ए का पावर से भी मल्टीप्लाई होगा और बी का पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए का पावर से भी इसको मल्टीप्लाई किया और बी के पावर से, साथ में ही आपका टू पे पावर भी थ्री होगा। तो अगर टू पे पावर थ्री करेंगे तो टू पे पावर थ्री एट हो जाएगा, और यहीं पे अगर ए पे पावर माइनस थ्री पहले से है और अगर यहाँ पे फिर जो थ्री है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका माइनस नाइन हो जाएगा। और उसी तरह से बी पे पावर टू दे रखा है और यहाँ पे पावर बाहर का थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी पे पावर सिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी हम लोग का आंसर निकल आया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है ए पे पावर माइनस वन है और फिर प्लस में बी पे पावर माइनस वन है और आपका बाय में करके दे रखा है ए और बी पर पावर माइनस वन दे रखा है। अब इसे हम लोग को लिखना है किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम लोग को पता है जो माइनस पावर दे रखा है माइनस में उसको अगर हम लोग को प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो देखिए ए प्लस ए बाय ए हो गया, ठीक है, और वन बाय ए और प्लस में यहाँ पे वन बाय बी हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसका जो माइनस पावर था वो खत्म हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी माइनस में पावर दे रखा है तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो वन बाय ए बी इसका पावर क्या हो गया, माइनस का कन्वर्ट हो गया, तो माइनस से प्लस हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, जो यहाँ पे आपका ए और बी दे रखा है इसका एलसीएम ले लेना है। तो ए और बी का एलसीएम हम लोग का ए बी हो जाएगा, तो उस प्रकार से यहाँ पे बी प्लस ए आ जाएगा और नीचे आपका जो है बाय में ए दे रखा है वन बाय ए, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देने पे देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो डिवाइड देने के बाद क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बाय ए बी इंटू आपका ए बी बाय वन, क्योंकि हम लोग अगर इसी चीज से डिवाइड देते हैं इससे तो क्या होता है ऊपर जाकर के चेंज हो जाता है, मतलब कि उल्टा हो जाता है। तो यह उल्टा, तो यहाँ ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, बी प्लस वन। इसे हम लोग सीधा करके लिख लेंगे ए प्लस बी, तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर। इसी तरह मैथ का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक मैथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसका भी फाइंड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग को, देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका जो सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन था कुछ उसी प्रकार से दे रखा है। तो देखिए पहले दे रखा है आपका x पे पावर माइनस वन और y पे पावर माइनस वन, ठीक है, और आपका बाय में दे रखा है x पे पावर माइनस वन प्लस आपका y पे पावर माइनस वन। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसी प्रकार से आ जाएगा। देखिए वन बाय एक्स हो जाएगा और यहाँ पे इंटू है चूंकि पावर चेंज हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, तो ये पावर चेंज मतलब कि माइनस वन में था तो इसको प्लस वन में किए तो वन बाय एक्स हो गया। उसी तरह से वन बाय वाई हो गया, सेम नीचे भी कंडीशन वही अप्लाई हो जाएगा कि यहाँ पे भी आपका माइनस में पावर था तो इसको भी प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसका चेंज हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा। पावर चेंज होने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x और y का एलसीएम ले लेंगे। देखिए मैंने यहाँ एक्स वाई का एलसीएम लिया तो एक्स वाई हो गया और यहाँ पर y प्लस x हो गया। सेम उसी तरह से अब हम लोग इसे भी डिवाइड देंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, x वा और y, x y क्या होगा जो इंटू में वो कैंसिल हो जाएगा और जो हम लोग का आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हम लोग का ये आंसर भी आ गया। अब जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है थर्ड का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर्स लेकर के दिया हुआ है। जैसे कि आपका 4 इंटू 10 पे पावर 7, फिर इसको ब्रैकेट में बंद और फिर आपका आगे 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 दे रखा है और बाय में दे रखा है आपका 10 इंटू 10 पे पावर 10, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ सबसे पहली बात है कि ये आपका जो 4 दे रखा है ये 6, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 हो जाएगा, 24 हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद आपका देखिए जो पावर रहता है उसको अगर किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपका कि प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे पावर जो दे रखा था 10 पे पावर 7 वो प्लस में था और जबकि आपका 10 पे पावर यहाँ पे माइनस में दे रखा था तो यहाँ पे माइनस में, तो देखिए मैंने 7 प्लस और ब्रैकेट में माइनस 5 लिख दिया है, ठीक है। और नीचे आपका क्या दे रखा था, 8 इंटू 10 पे पावर 10, तो मैंने देखिए यहाँ 8 इंटू 10 पे पावर 10 है तो 8 से अगर हम 24 को अगर कैंसिल कर देते हैं तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 10 पे पावर 10 बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि ये देखिए आपका 10 आया, 3 आया, ठीक है, ये आपका 3 का यहाँ आ गया लेकिन यहाँ पे 10 पे पावर 7 दे रखा था और यहाँ पे माइनस में 5 दे रखा था, इसको हमको पता है कि 7 में माइनस 5 करेंगे तो ये 2 आएगा और नीचे का पावर अगर ऊपर ये प्लस में दे रखा था अगर इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 2 माइनस 10 हो जाएगा, तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 आ जाएगा।
अब मैं अगला क्वेश्चन बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर नए आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन मतलब कि सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको सही समय पे मिल जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 4 का A दे रखा है। 4 का A नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये जो 4 का A नंबर है वो दे रखा है 3A बाय में B पे पावर माइनस 1, उसी तरह से प्लस में B 2B बाय और A पे पावर माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, सेम तरीके से हम लोग करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस में B दे रखा है तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में B हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे माइनस में है तो इसको भी अगर ऊपर लेके जाते हैं तो हम लोग का प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ऊपर में कैसे लेके गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 3A है। ठीक है, और नीचे में क्या है, यहाँ पे माइनस में है मैं भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा, तो ये B क्या होगा जब इसे हम लोग डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा B बाय 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ 3AB, उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे 2AB हो जाएगा, और जब दोनों को प्लस कर देंगे 3AB और 2AB को तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसका भी हम लोग का आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इजी है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 5 पे पावर 0 इंटू 4 पे पावर -1 प्लस 8 पे पावर 1/3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है एक चीज है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 दे रखा है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं हो, अगर उसका पावर 0 दे रखा है तो उसका वैल्यू जो होगा 1 निकल करके आएगा। सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 पे पावर -1 दे रखा है तो ये 1/4 कर देंगे तो यहाँ पे -1 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 दे रखा है, इसका कितना पावर लिखेंगे, मतलब कि 8 को किस तरह लिख सकते हैं, और दूसरी तरीके से अगर हम लोग 2 का पावर 3 करते हैं तो भी 8 आएगा, 8 का बराबर आएगा, तो यहाँ पे 2 पे पावर -3 कर दिया, और इसका जो आपका पावर पहले से दे रखा था 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पे 2 आ गया, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे आपका 4 और 1 बचा हुआ, ध्यान से देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 1, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 से अगर 4 को डिवाइड देते 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, और 1 से अगर 4 को डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसको जोड़ देंगे हम लोग 1 और 8 को, तो 1 और 8 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा हम लोग का 9 आ जाएगा। देखिए 9/4, और तो ये कितना हो जाएगा अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1/4 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये तो 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ। अब देखिए आपके 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया रखा है 8/125 और पावर में दे रखा है -1/3। तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 8 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर 2 का पावर 3 करते हैं तो भी 8 होगा, और अगर 5 का पावर 3 करते हैं तो भी 5 होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों का पावर सेम हो जाएगा, तो सेम होने के कारण क्या हो जाएगा इसका पावर हम लोग का 3 निकल जाएगा, और बाहर का पावर जो दे रखा था पहले से वो क्या दे रहा था -1/3 दे रखा था, इसको हम लोग कैंसिल कर जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका कि 2/5 और पावर में -1 बच जाएगा। अगर -1 को हम लोग को खत्म करना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल अगर कर देते हैं तो 5/2 हो जाता है, इसका फ्रैक्शन हम लोग को निकल करके 2 होल 1/2 आ जाता है। इस तरह से 5 का 1 का भी आंसर हम लोग का आ जाता है। अब 5 का हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका 0.027 और इसका पावर दे रखा है 1/3 माइनस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0.027 को क्या लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात है 0.027 को हम लोग लिख सकते हैं 27/1000। तो हम लोग 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अगर 3 का हम लोग 3 times मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 27 के बराबर हो जाएगा, और अगर हम लोग 10 का 3 power करेंगे तो ये हम लोग का 1000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 10 का power 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जो पहले से पावर दे रखा था -1/3, ये यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और बच जाएगा हम लोग को -1। तो यहाँ पे 3/10 हो गया, और इसका अगर -1 को हम लोगों को क्या करना है हटाना है, तो सीधी सी बात है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/3 हो जाएगा, और 10/3 ये भी आंसर हो सकता है, या तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 3 1/3 ये आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर सही हो जाएगी। अब 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो 6 का 1 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से ही दे रखा है, -1/27 दे रखा है, इसका पावर जो दे रखा है आपका -2/3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को अगर 3 times मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है माइनस में, तो इसको
इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं 3 का पावर में। और उसी तरह से आप लोग 27 को अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 को अगर 3 टाइम्स में पावर देंगे 3, तो आपका ये 27 का ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 1 और 3 का पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाने पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए आंसर जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा -1/3 और पावर में आपका -2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो ये -3 बच जाता है, क्योंकि पहले से ही माइनस दे रखा है और आपका स्क्वायर हो जाता है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 × -3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। इस तरह से ये भी आंसर यहाँ पे फाइंड हो जाता है। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये दे रखा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, देखिए 64 है, इसपे पावर दे रखा है -2/3 और डिवाइडेड और माइनस डिवाइडेड 9, और 9 का पावर दे रखा है आपका -3/2। तो सबसे पहले हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और आपका बाहर का जो पहले से पावर दे रखा है -2/3 दे रखा है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिवाइड में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और पहले से जो आपका पावर दे रखा है वो -3/2 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो देखिए क्या बचता है, हम लोग का 4 पे पावर -2 बचता है और 3 पे पावर -3 बचता है। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल करने पे क्या आ जाता है हम लोग का 1/4 और पावर में आपका 2 हो जाता है, डिवाइडेड 1/3 करेंगे तो इसका पावर मूल का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसे रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल करने के बाद 1/4 को अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग कितना 1/16, और 1/3 को अगर क्यूब करते हैं तो हम लोग 1/27 आ जाता है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब इंटू हो जाएगा, मतलब 27 ऊपर नीचे आ जाएगा, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 27/16 हो जाता है। तो ये आपको फ्रैक्शन में तोड़ने पे आपको 1/11/16 हो जाता है। इस प्रकार से इसका भी आंसर हम लोग को आ जाता है। अब 7 का हम लोग जो देखेंगे, 7 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, तो देखिए 7 का पहला नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, दे रखा है 27, पावर दे रखा है 2n/3, ठीक है, और यहाँ पे इंटू दे रखा है, फिर 8 पे पावर दे रखा है -n/6, तो बाई में फिर दे रखा है आपका 18 और n-n/2 पावर दे रखा है। तो अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधी सी बात है 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर लिख सकते हैं, तो 27 के बराबर हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये भी 8 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ जो 18 दिया हुआ है इसको दो भागों में तोड़ देंगे, 2 × 3 पे पावर 2 कर लेंगे, तो 3 × 3 = 9 और 2 = 18 हो जाएगा, और बाहर का पावर 9 − n/2 दे ही रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए पावर जो दे रखा है उसको कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से 3 से 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2n बच जाएगा, और यहाँ पे 2 पे पावर -n बच जाएगा, -n/2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 बचा हुआ था, तो यहाँ -n/2 बच गया। और नेक्स्ट जो हम लोगों को आगे दे रखा है, तो मैंने पहले भी बताया था कि देखिए यहाँ अगर 2 है तो अगर पावर इसका दे रखा है बाद में तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 − n/2 पावर हो गया इसका, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे अगर 2 दे रखा है और -n/2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर और ये देखिए 2 का स्क्वायर -n/2, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर -1/2 दे रखा है पावर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा हम लोग के पास, ऊपर में बच जाएगा आपका 2n, ठीक है, पावर 3 का, और 3 नीचे बच जाएगा आपका 3 का पावर -n। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, कि ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 3 पे पावर 3n आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, × 25, और 25 का जो आपका पावर दे रखा है वो n+1 दे रखा है, फिर माइनस में आपका 25 × 5 पे पावर आपका 2n दे रखा है, फिर बाएं में है आपका 5 × 5 पे पावर 2n+3 और माइनस किया, और फिर 25 पे पावर है आपका n+1। तो ध्यान से इसको समझिए और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग 5 को उसी तरह रहने देंगे, और 25 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर कर दिया, पावर 2 हो गया, और यहाँ पे n+1 हो गया, माइनस में फिर यहाँ पे भी 25 का पावर क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 पे पावर 2n है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाते हैं, और नीचे बाय में क्या दे रखा है, 5 × इसको तो किसी भी तरह से चेंज नहीं करना, सेम का सेम आपको राइट कर देना। और सेकंड आपका जो 25 है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधी सी बात जानते हैं 5 का अगर पावर 2 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका जो पहले से पावर दे रखा है n+1 दे रखा है।
अब इसको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी पावर दे रखा है, मान लेंगे यहाँ 5 का पावर 1 है और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 5 पे पावर 2 है और यहाँ पे 5 पे पावर 2n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2n लिख सकते हैं। जस्ट उसी तरह से नीचे आएंगे और सेम तरीके से देखिए नीचे का भी पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे और यहाँ पे पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखिए क्या हो जाता है, कुछ यहाँ पे ऊपर का पावर बन जाता है 2n प्लस 3 और यहाँ पे बन जाता है 2 प्लस 2n और नीचे बन जाता है आपका 2n प्लस 4, पावर बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या है 2n 2 प्लस 2n, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि पता है पावर है तो ये क्या हुआ, इन टू कर हुआ था तब ये पावर आया था। अब हम लोग इसको यहाँ पे अलग अलग करके चारों को लिख लेंगे और यहाँ से अलग कर लिखने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो 5 पे पावर 2n है यहाँ ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 पे पावर 2n 5 पे पावर 2n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 5 पे पावर 3 बचा, 5 पे पावर 2 बचा जिसको मैंने यहाँ पे राइट किया और नीचे आपका 5 पे पावर 4 बचा, 5 पे पावर 2 बचा जिसको मैंने यहाँ पे राइट किया। अब देखिए 5 पे पावर क्यूब है तो इसको 125 और 5 पे पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे 25 और नीचे आपका 625 और माइनस 25, तो अगर इन दोनों को माइनस कर लेते हैं हम लोग क्या होता है 100/600 आ जाता है और यहाँ से भी दो जीरो कैंसिल, यहाँ से भी दो जीरो कैंसिल, तो 1/6 हम लोग का आंसर निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 8 का पहला नंबर क्वेश्चन। 8 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका 8 पे पावर आपका माइनस 4/3 डिवाइडेड 2 पे पावर माइनस 2 और पूरे के पर जो पावर दे रखा है वो दे रखा है 1/2। तो ध्यान से देखिए वो जो आपका बाहर का पावर दे रखा है उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले हम लोग को ब्रैकेट का अंदर काम होता है, बोर्ड मास का प्रयोग करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर का काम। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, तो यहाँ पे 2 को क्या कर सकते हैं उसी तरह रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 2 पे पावर 3 लिखे तो यहाँ पे जो पहले से पावर दे रखा थे 3 इसे मल्टीप्लाई होकर 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 पे पावर -4 बच गया और यहाँ पे 2 पे पावर -2 बच गया। और बाहर का पावर तो बाहर का छेड़छाड़ नहीं करना है, अभी आगे बताता हूँ मैं क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे जो -4 है इसका पावर तो क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं और इसी प्रकार से इसका भी अगर -2 है पावर में तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रेसिप्रोकल करके। जब इसको लिख लेंगे तो अब क्या करेंगे, इसका पावर को हम लोग चाहेंगे तो पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 हो जाएगा डिवाइडेड 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इनटू करेंगे, इनटू क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा और 16, तो ये 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/4। अब यहाँ आता है बाहर का पावर का काम, देखिए यहाँ से बाहर का पावर का काम करना है तो अब यहाँ पे 1/4 को क्या लिख सकते हैं पावर में, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे 1/2 का पावर 2 लिखा तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आंसर हम लोग का क्या है 1/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद 9 का है। तो देखिए 8 का जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से दे रखा है, देखिए 27/8 का पावर आपका 2/3 दे रखा है, -1/4 का पावर -2 दे रखा है और प्लस में आपका 5 का पावर 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 27 को 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 का पावर अगर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो देखिए दोनों का पावर 3 चढ़ जाएगा, ठीक है। और इतना हो गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका पहले वाले पावर से तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिए ये 1/4 था तो 4 को क्या लिख सकते थे, तो 2 का पावर 2 लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ 2 पे पावर 2 लिख दिया तो ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ माइनस से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, देखिए यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया था और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये -4 आ गया क्योंकि यहाँ पहले से माइनस में था। अब इसको क्या करना है हम लोग को आगे कि देखिए ये जो है पावर इसको हम लोग को पावर में लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा 3/9/4 हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा और प्लस में 1 दे रखा है हम लोगों का, तो आगे नेक्स्ट कर देना है हम लोग का 9/4 - 16 + 1। अब जब इन लोगों को हम लोग एलसीएम लेकर के जोड़ लेंगे तो क्या कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 9 - 64 + 4, तो इन लोगों को अगर हम लोग 9 और 4 को ऐड कर देते हैं तो 13 आ जाता है, 64 को माइनस कर देते हैं तो 51 आ जाएगा, तो -51/4 इसका यहाँ पे आंसर आएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा -12 3/4, तो ये हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नाइन नंबर क्वेश्चन, नाइन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, थ्री एक्स स्क्वायर और फिर इसका भी पावर दे रखा है माइनस थ्री, फिर इनटू में है आपका नाइन एक्स पे पावर नाइन और फिर इसका होल में पावर दे रखा है आपका टू बाय थ्री, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो ये क्या दे रखा है आपका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर, इसका पावर पहले से थ्री दे रखा है, फिर यहाँ पे दे रखा है नाइन का पावर नाइन, तो इसका जो बाहर का पावर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री से नाइन कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा आप लोग का, थ्री आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों को करना है कि देखिए यहाँ पे पावर दे रखा था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो गया वन बाय ट्वेंटी सेवन एंड एक्स पे पावर सिक्स, और यहाँ पे आपका थ्री टू या सिक्स, तो एक्स पे पावर सिक्स आ गया, और यहाँ से एक्स का पावर सिक्स और एक्स का पावर सिक्स कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आंसर आ गया वन बाय ट्वेंटी सेवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नाइन का, देखिए एट एक्स पे पावर फोर और इसका पूरा का पावर दे रखा है वन बाय थ्री, डिवाइडेड में दे रखा है आपका एक्स और इसका पावर दे रखा है माइनस वन बाय सॉरी वन बाय थ्री। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एट को लिख सकते हैं टू पे पावर थ्री और यहाँ पे x को भी मैंने अलग कर दिया, तो देखिए x पे पावर 4 दे रखा था पहले से और यहाँ बाहर 1 बाय थ्री दे रखा था, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो आपका x का पावर 1 बाय थ्री दे रखा था डिवाइड में, तो इसे मैंने डिवाइड में ले आया, जब डिवाइड में मैंने ले आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, पावर यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, और इस पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4 बाय थ्री हो गया, और नीचे का पावर जो 1 बाय थ्री दिया हुआ था एक्स का, उसे यहाँ ऊपर आकर के ऐड करना पड़ा, ये माइनस करना पड़ा क्योंकि ये प्लस में था, तो माइनस करने के बाद ये जो निकल के आया वो आया आपका 4 माइनस 1 बाय थ्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका 4 माइनस 1 बाय थ्री अगर माइनस करते हैं 4 माइनस 1 को तो क्या होता है 3, और 3 से 3 को कैंसिल हो जाता है तो आपका 1 बचता है पावर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 2x, जो कि इसका 9 का सेकंड का आंसर है। अब देखिए 10th का पहला नंबर क्वेश्चन, 10th का पहला नंबर क्वेश्चन है और ये 10th का दो क्वेश्चन है इसमें, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए आगे का जो इसका पार्ट बचा हुआ उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका 3 पे पावर 2 और इसका पूरा का पावर 0 प्लस में आपका 3 पे पावर माइनस 4 इंटू 3 पे पावर 6 प्लस 1 बाय 3 पे पावर माइनस 2। इसको हम लोग 3 कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 3 पे पावर 2 दे रखा था 0, इसको हम लोग 2 इंटू 0 कर लेंगे, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाय 3 और इसका पावर 4 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे 3 है तो 3 के पावर 6 दे रखा है और प्लस में आपका यहाँ पे क्या है माइनस 2 है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा। जस्ट आपका देखिए यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे 3 पे पावर 0 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 बाय 3 है इसका पावर 4 है तो यहाँ 1 बाय 81 हो जाएगा, और 6 का पावर 3 का पावर 6 बार करेंगे तो यहाँ पे 729 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 81 से आपका 729 को अगर कट कर देते हैं तो हम लोग कितना आता है 9 आ जाता है, और यहाँ पे हम लोग को 3 का पावर पहले से 1 दे रखा है 0 है तो 1 होगा, और यहाँ पे 9 आया, तीनों को अगर ऐड कर देते तो हम लोग का आंसर 19 निकल करके आ जाता है। नंबर क्वेश्चन दे रखा है ये है आपका 9 पे पावर 5 बाय 2 और माइनस 3 इंटू 5 पे पावर 0 माइनस 1 बाय 81 और इसका पावर दे रखा है माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 2 कर लेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा और इंटू आपका 5 बाय 2 हो जाएगा, माइनस आपका देखिए यहाँ पे 5 पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको 81 है तो इसका पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 9, ठीक है 1 बाय 9 का पावर 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3 पे पावर आपका बच जाएगा 5 और यहाँ पे 3 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे अगर ये माइनस में दे रखा है रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस में। तो अगर हम लोग अब इसे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या होता है 5 का जो 3 का पावर है 5 इसको करेंगे तो कितना आएगा 243 और माइनस 3 माइनस 9, और अगर यहाँ सबसे पहले 3 और 9 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 39 ऐड करने पे आपका आ जाएगा 12, और 243 में अगर 12 को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 231। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 10th का सेकंड नंबर का, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए आए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि समय पे आपको सही नोटिफिकेशन मिल जाए सभी वीडियो का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।